नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुले कपाट, सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। 12:13 पर विधि विधान के साथ खुले गंगोत्री धाम के कपाट। 12:41 पर पूजा अर्चना के साथ खुले यमुनोत्री धाम के कपाट। धामों में सीमित दर्शनार्थियों का कोटा किया गया खत्म। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश हुआ वापस। श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का था आदेश। यात्रियों के लिए पंजीकरण जरूरी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुले कपाट देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश हुआ वापस। श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का आदेश वापस। यात्रियों के लिए पंजीकरण जरूरी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुले कपाट, सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश हुआ वापस। श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का आदेश वापस। यात्रियों के लिए पंजीकरण जरूरी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं और यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से आ रही है। आरक्षित वन क्षेत्रों में बने धार्मिक स्थलों को लेकर निर्देश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। दस दिन के भीतर प्रदेश स्तरीय कमेटी का किया जाए गठन। कमेटी में पर्यावरणविद और ब्यूरोक्रेट से शामिल किए जाए। खनन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यायिक जगत के सेवानिवृत्त और स्वतंत्र लोग भी हो शामिल। खनन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। 10 दिन के भीतर प्रदेश स्तरीय कमेटी का किया जाए गठन। कमेटी में पर्यावरणविद और ब्यूरोक्रेट्स हो शामिल। खनन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। खनन पर निगरानी करने के लिए कमेटी बनाए जाने के निर्देश। 10 दिन के भीतर प्रदेश स्तरीय कमेटी का किया जाए गठन। कमेटी में पर्यावरणविद और ब्यूरोक्रेट किए जाए शामिल। खनन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। खनन पर निगरानी करने के लिए कमेटी बनाए जाने के निर्देश। कमेटी में पर्यावरणविद और ब्यूरोक्रेट हो शामिल। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आरक्षित वन क्षेत्रों में बने धार्मिक स्थलों को लेकर निर्देश। 1980 से पहले बने अवैध रूप से धार्मिक स्थल नहीं छूटेंगे। मनसा देवी मंदिर, कुछ मजारे राजाजी पार्क की स्थापना से पहले के अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पुलिस की मदद लेगा वन विभाग। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरक्षित वन क्षेत्रों में बने धार्मिक स्थलों को लेकर निर्देश। 1980 से पहले बने अवैध धार्मिक स्थल नहीं तोड़े जाएंगे। मनसा देवी मंदिर और कुछ मजारे राजाजी नेशनल पार्क से पहले की आरक्षित वन क्षेत्रों में बने धार्मिक स्थलों को लेकर निर्देश। वन विभाग की सूची में कुछ धार्मिक स्थल पहले के मिले। मनसा देवी मंदिर और कुछ धार्मिक स्थल राजाजी पार्क के बनने से पहले के। वन विभाग की सूची में कुछ धार्मिक स्थल पहले से मिले। मनसा देवी मंदिर और कुछ मजारे राजाजी नेशनल पार्क के बनने से पहले के। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए निर्देश। एक सप्ताह के भीतर भर्तियों के अधियाचन भेजने के निर्देश। दिव्यांग श्रेणी के पदों का भी चिन्हीकरण करने के निर्देश। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव ने उठाया कदम। सभी विभागों को दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम।
दिव्यांग श्रेणी के पदों का भी चिन्हीकरण करने के निर्देश। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव ने उठाया कदम। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए निर्देश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिव्यांग श्रेणी के पदों का भी चिन्हीकरण करने के दिए निर्देश। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ पैदल रूट पर स्वास्थ्य सचिव का निरीक्षण। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने किया निरीक्षण। फील्ड में पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बद्रीनाथ रूट पर भी व्यवस्थाओं का ले चुके हैं पैदल जायजा। रुद्रप्रयाग में छोड़ी चिरवासा में लिया सुविधाओं का जायजा। जंगल चट्टी रामबाड़ा में हेल्थ सुविधाओं का लिया जायजा। गुप्त काशी सोनप्रयाग गौरीकुंड समेत कई स्थानों पर भी पहुंचे। स्वास्थ्य सचिव ने दिए स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। 104 के माध्यम से श्रद्धालुओं की होगी निगरानी। चारों धामों में यात्रियों की सुविधा के लिए डॉक्टर तैनात। 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई। यह कहना है डॉक्टर राजेश कुमार जो स्वास्थ्य सचिव हैं उत्तराखंड के। स्वास्थ्य सचिव के दौरे से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। यात्रा को सुगम बनाने के लिए दौरा जरूरी। यह कहना है डॉक्टर राजेश कुमार का। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश पर किया दौरा। फील्ड से मिलती है सही जानकारी। डॉक्टर राजेश कुमार का यह कहना है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर राकेश कुमार और उन्होंने फील्ड में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और ये देखा कि चार धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ पैदल रूट का स्वास्थ्य सचिव ने किया निरीक्षण। चारों धामों में यात्रियों की सुविधा के लिए डॉक्टर तैनात। 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश पर किया दौरा। फील्ड से मिलती है सही जानकारी। चारों धामों में यात्रियों की सुविधा के लिए डॉक्टरों की गई है तैनाती। यह कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव का। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने फील्ड में उतरकर जायजा लिया है किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 18,000 आवास आगामी जुलाई से के महीने तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही राज्य नए आवंटन के लिए केंद्र सरकार के सामने अपना दावा पेश करेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत राज्य के लिए 18,602 आवास स्वीकृत किए हैं। इनमें से ग्रामीण विकास विभाग 16,617 आवंटियों को 60,000 की पहली किस्त दे चुका है, जबकि 340,040 की दूसरी किस्त भी दी जा चुकी है। देखिए अच्छा है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से जो भी सूची हमने भारत सरकार को भेजी थी, मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। खासकर ग्राम विकास मंत्रालय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे राज्य को जितनी संख्या में हमने भेजे थे वो सारी संस्कृति हमको प्राप्त हो गई है और बहुत जल्दी उसकी धनराशि भी आ जाएगी और वो काम प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री आवास जो बीपीएल परिवार है उनको दिया जाता है और बड़ी संख्या पहले भी दिया गया है और इस वर्ष की जो सूची गई थी उस सूची को अनुमोदन मिल चुका है। वही आर्मी बैंड की मधुर धुन के साथ 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की डोली गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से रवाना हो गई है। ओंकारेश्वर मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद डोली ने पहले रात्रि पड़ाव विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान कर दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी में पैदल यात्रा हो रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्सव डोली आज फाटा और 23 अप्रैल को गौरीकुंड और 24 को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। आपको बता दें कि 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। इस अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग भी मौजूद रहेंगे।
वहीं चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने के बाद जनपद देहरादून के एसएसपी और जीएम ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए ऋषिकेश का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने जो कमियां व्यवस्थाओं में दिखाई दी उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर रूप से चलाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर और डीएम सोनिका ऋषिकेश पहुंची। सबसे पहले उन्होंने यात्रा ट्रांजिट कैंप के पास निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने निरीक्षण के दौरान जहां चंद्रभागा पुल से आईएसबीटी को जोड़ने वाली सड़क के समय से जामलीकरण नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त को आड़े हाथों लिया। वहीं एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शहर से लेकर श्यामपुर फाटक और नेपाली फॉर्म तक निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। यहाँ ट्रैफिक डायवर्जन प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे होगी वो मैंने देख लिया है। और कल ईद है और परसों संडे है, तो मंडे से हमारा कल से हम लोग यहाँ फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। आज शाम से फोर्स आ जाएगा और मंडे से हमारा जो फुल डेवलपमेंट है हो जाएगा। और इस बार जो जो डायवर्जन प्लान है, डायवर्जन हम प्लान तभी करेंगे जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। ये आज मैं यहाँ पे देखने आई थी कि कितने लोग आए हुए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं है यहाँ, लेकिन आगे भविष्य में क्राउड बढ़ेगा ही। तो उसी तरह से जो व्यवस्थाएं और ज़्यादा सुचारू की जा सकती हैं, ये जो शेड लगाए थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, बैठने की व्यवस्थाएं और कर दी जाए जिससे खुला खुला रहे थोड़ा सा। बाकी जो हमारे ऐप है वो जो लोग ऐप यूज़ करते हैं वो अपने आप ही उसको डाउनलोड कर लें और रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। वहीं प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने और बिजली कटौती की नौबत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव में जनता को 24 घंटे बिजली और पानी देने के वायदे हवा हवाई हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। एक और बिजली नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। बीपीएल श्रेणी से लेकर घरेलू उपभोक्ताओं तक बिजली के बढ़े बिल की मार पड़ रही है। इससे सिद्ध होता है कि प्रदेश में कल्याणकारी राज्य के स्थान पर शोषण हावी है। राज्य में सामान्य तौर पर 55 मिलियन यूनिट विद्युत की जरूरत पड़ती है। कुल आवश्यकता का 65% ही उत्तराखंड का स्वयं का बिजली उत्पादन है। 35% की कमी हमेशा बनी रहती है। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में बिजली और पानी लगातार महंगा हो रहा है और बिजली के दाम तो आप देखिए पिछली बार साल में 3 बार बढ़ाए गए और बिजली के दाम बढ़ाने के बाद भी प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर लगभग दिन भर के कट लग रहे हैं बिजली के। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कार्यालयों में काम करने वाले लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इतनी गर्मी के मौसम में घर में लोगों का रहना दुभर हो रहा है और ये ऊर्जा प्रदेश में अगर इस प्रकार की स्थिति होगी। वहीं प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण पर 315 करोड़ रुपए की जीपीआर केंद्र सरकार को भेजी है, जिसमें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब, सिटी स्कैन और एमआर मशीनों का भी करने के साथ ही यात्रा मार्ग की चिकित्सा इकाइयों का उच्चारण करना भी शामिल है। सरकार की ओर से चारधाम यात्रा के लिए लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में जुटी हुई है। इसके लिए विभाग द्वारा अपने स्रोतों के साथ ही विभिन्न कंपनियों से
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्वास्थ्य उपकरण लिए जा रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर हमेशा सरकार के दावे हवा हवाई होते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकारी अमला और प्रदेश के पर्यटन मंत्री बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो धरातल पर काम दिखाई नहीं देता। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के दावे हमेशा हवा हवाई होते हैं और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकारी अमला और प्रदेश के पर्यटन मंत्री बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन जब चारधाम यात्रा शुरू होती है, अगर पिछले साल के ही उदाहरण को आप ले लें कि तमाम तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की जिस प्रकार से तीर्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में मौतें हुई और केदारनाथ में जिस प्रकार से मृत्यु, वहीं देहरादून में राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर पीआरएसआई देहरादून चैप्टर ने कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का विषय G20 में जनसंपर्क की भूमिका रखा गया था। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विश्व को दिशा देने का काम किया है। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है, हमारे पारंपरिक जीवन मूल्य हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात भी प्रमुखता से भारतीय विचारों में ही है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय से ही जीवन जीने के लिए मंत्र दिए हैं। हम लोग समय के साथ अपने मूल्यों को छोड़ते जा रहे हैं। हमें अपने मूल्यों का संरक्षण करना जरूरी है, तभी हम विश्व को दिशा देने का काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर जनसंपर्क क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को प्रयास करना होगा कि हम उत्तराखंड की छवि देश दुनिया के समक्ष रख सके। उन्होंने ये भी कहा कि G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिली है, जिसकी उत्तराखंड में एक बैठक हो चुकी है जबकि और बैठक उत्तराखंड में होनी है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क का राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट। आई कैन मेक डोसास फास्टर। मस्ट बी जोकिंग। बस 3 इजी स्टेप्स, मिक्स विद वाटर, स्प्रेड बैटर, फ्राई। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। देवों की भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था के केंद्रों पर शीश नवाने आते हैं। उत्तराखंड सरकार धार्मिक पर्यटन को सुगम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। जहाँ एक ओर चार धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से प्रगति पर है, वहीं ऑल वेदर रोड ने तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते चार धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के साथ साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प पर तेजी से काम हो रहा है। धामी सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों के सुनियोजित विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के 60 से अधिक प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यकरण, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है। मिशन के तहत इन दिव्य धामों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास ने धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी है, जिससे तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के लिए उत्तराखंड यात्रा बन रही है बेहतर, सुगम और सुरक्षित।
सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारे प्राचीन मंदिरों के लिए, जिससे अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राज्य सरकार इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे बड़ी तादाद में युवा पर्यटक आकर्षित होंगे और यहाँ रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार के इन नीतिगत फैसलों से संपूर्ण विकास को मिलेगा एक नया आयाम। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 2016 से चल रहे मामले का निस्तारण होने के बाद दिनेशपुर थाने में रखे 33 सामान को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष गुप्ता के समक्ष अवैध सामान को नष्ट किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि लंबे समय से मालखानी में रखा सामान मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अवैध कच्ची शराब के अलावा अन्य सामान को नष्ट किया गया है। इसमें ख्याल से हमें मालखाना का जितने भी माल पुराने पड़े हैं निस्तारण हेतु आदेश दिए गए हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बार बार हमें निर्देशित किया जा रहा है कि ये माल जितने भी पुराने हो गए जिसमें सजा हो गई है और अपील नहीं है तो उनका निस्तारण करें और अपना क्लीन करें अपने माल खाने को। तो उसी अभियान के तहत हमें मजिस्ट्रेट महोदय का आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे द्वारा शराब के जो एक्साइज एक्ट के मामले हैं इसके 33 मालों का हमारे द्वारा निस्तारण किया गया। ये एक कमेटी बनाई गई थी महोदय के आदेश से, तो कमेटी द्वारा 33 मालों का निस्तारण किया गया। वहीं दसौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाना भनाली झिंझी ईरानी में भारी ओलावृष्टि से क्षेत्र में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें गेहूं, जौ, मटर, धनिया, मिर्चा, आलू के अलावा कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उप जिलाधिकारी चमोली को भेजे गए पत्र में काश्तकारों ने नुकसान फसलों का निरीक्षण कर फसल का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य विजय सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारी ओलावृष्टि से काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ है, उन्होंने उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है। नमस्कार, मैं विजय सिंह नेगी ग्राम ईरानी पाना जींजी से और क्षेत्र पंचायत सदस्य, और कल शाम 3-4 बजे हमारे ग्राम पंचायत ईरानी पाना में बहुत भयंकर ओलावृष्टि के कारण जो हमारी जो तमाम ये फसलें हैं इनका जो भारी नुकसान हुआ है, गेहूं, जो चुलाए, आलू और धनिया आदि जो किसानों के द्वारा जो खेती में रोपण किया गया था वो बहुत भयंकर ओलावृष्टि के कारण ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे मटर हैं, तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारे इन किसानों को इस ओलावृष्टि से नुकसान फसलों को वहीं उधम सिंह नगर में गर्मी का सीजन आते ही आग ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका खामियाजा किसानों को झेलना पड़ रहा है। किसानों को कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जहां एक ओर पिछले दिनों बेमौसमी बारिश ने किसानों की गेहूं की तैयार फसल बर्बाद कर दी, तो अब आग लगने के कारण किसानों को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है। जहां गेहूं की तैयार फसल में अचानक आग लग गई और 12 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गया। बिजली की तार स्पारिंग करने से हुई है एकदम, फिर हवा तेज चल रही थी, आग गिरी तो बस फिर उसके बाद कंट्रोल एकदम नहीं। कितने गेहूं में आग लग गई होगी? गेहूं लगी 10-12 एकड़। कितने किसान प्रभावित हैं इससे? ज्यादा 2 किसान प्रभावित हैं। करीब ये 10-12 एकड़ जगह है ये दलजीत गुराया जी की, जो ये गेहूं तार स्पार्क होने की वजह से लग गई आग और सारी जल गई। फायर वाले आए क्या? कोई नहीं आया जी, किसी को फोन नहीं कि आग बुझाने में लगे रहे ट्रैक्टर लगा के समझने। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग करीब 10-12 एकड़ गेहूँ जल गई है सारी। जो भी
करीब 8 एकड़ 8.5 एकड़ गेहूं का नुकसान हुआ है, 22-23 क्विंटल निकल रही है, आप लगा लो उसका कितना का अंदाज होगा, उससे नुकसान हुआ है। और ये बिजली की स्पार्किंग होकर के मोटर का कनेक्शन को कर रहे थे तो वो नंबर 2 का है क्या है उससे लग गई आग, लग गई सारी। क्या यहाँ पर फायर वाले आए, आग बुझाने वाले? नहीं आया यहाँ पर, ना कोई फायर वाला आया, ना किसी ने फोन किया हमें कि भाई लग गई है क्या करें क्या नहीं, किसी ने नहीं किया। ये इनके भाई मैं छोटे बेटा है वो वहां से आ गया धनसारे से, कहाँ है वहां से वहां तक आके भाग के बुझवा रहा था। तो ये तो हाल है, मेरी लेबर थी, मेरे दोनों ट्रैक्टर चल रहे थे वो तो मैंने भाग के आ करके तो इसको किया। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ हमारा नुकसान की पूर्ति की जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।